मेरे पास आने वाले ऐसे युवाओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है जो अपने कम वजन के चलते, दुर्बलता के चलते हीन भावना के शिकार है। उनका पाचन अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता, भूख अच्छे से नहीं लगती, गैस हमेशा बनती रहती है। शरीर दुर्बल बने रहने के कारण एक थकावट, आलस्य सदैव बना रहता है। जवानी में ही उन्हें बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दवा बहुत अच्छा लाभ प्रदान करती है। आज हम आपको उसी दवा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। आपको बताएंगे उस दवा का नाम क्या है, किन किन चीजों के प्रयोग से वो दवा बनती है, उसके लाभ व उसे प्रयोग करने की विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको यह भी बतलाएंगे कि इस दवा का प्रयोग किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही लाभदायक जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बात अच्छे से बतला दूं कि यहां पर उपलब्ध जानकारी केवल और केवल आपके ज्ञान वर्धन हेतु, आप इसका प्रयोग कर स्वयं की चिकित्सा ना करें। यदि आप इन औषधियों का, इन नुस्खों का प्रयोग करने के इच्छुक हैं तो बेहतर रहेगा कि एक बार किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें या फिर आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारे फोन नंबर 7988282175 के माध्यम से आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं आपको एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते उचित परामर्श उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए दर्शकों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और आपको बतलाते हैं उस दवा के नाम के बारे में। दोस्तों, हम जिस दवा का जिक्र कर रहे हैं वो और कोई नहीं, द्राक्षासव है। द्राक्षासव उत्तम स्फूर्तिदायक पौष्टिक औषधि है। आपके पाचन तंत्र की कमी को दूर करने के लिए, रोजमर्रा की थकान को दूर करने के लिए इससे उत्तम औषधि आपको नहीं दिखाई दे सकती। इस औषधि को बनाने में जिन जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है वो कुछ इस प्रकार है। इसके अंदर बड़ी मुनक्का, धाई के फूल, शीतल मिर्ची, तेजपत्र, दालचीनी, इलायची, नागकेसर, लौंग, मिश्री, शहद, जायफल, काली मिर्च, पीपली, चित्रकूट, पीपली मूल, निरगंडी के बीज जैसी प्रभावशाली औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते यह इतना अधिक लाभ शरीर पर दिखाती है। चलिए सबसे पहले इस लाभकारी आसव के गुणधर्म और उपयोग आपको बतला देते हैं। इस औषधि के प्रयोग से पाचन तंत्र की निर्बलता अवश्य ही दूर हो जाती है। भोजन में अरुचि हो, पाचन अच्छी प्रकार से ना हो पाता हो, खाया पिया ना लगता हो, ऐसी समस्याओं को यह बड़ी आसानी से दूर कर देती है। शरीर को उचित पोषण प्राप्त होने लग जाता है। जो थकावट, आलस्य, बेचैनी सदैव बनी रहती है वो दूर हो जाती है। शरीर के अंदर एक प्रकार के नई उत्साह, नई ऊर्जा आपको अनुभव होगी। इन सब के अलावा यह औषधि उचित प्रकार से प्रयोग करने पर ना केवल आपके बल में वृद्धि करेगी बल्कि आपके त्वचा के वर्ण अर्थात त्वचा के रंग को भी सुधारती है। इन सब के अलावा जिन लोगों की निर्बल छाती के चलते, चाहे वो टीबी की शिकायत हो, दमा की या लंबी खांसी की मरीज क्यों ना हो, किन्हीं भी कारणों के चलते उनकी छाती कमजोर रह गई, ऐसे मरीजों को यदि द्राक्षासव का लगातार प्रयोग किया जाए तो न केवल उनकी खांसी दमा जैसी समस्याएं दूर हो सकती है बल्कि उनके चलते उत्पन्न कमजोरी को भी दूर करने में बहुत हद तक आपको सहायता प्राप्त होती है। इन सब के अलावा द्राक्षासव के प्रयोग से शारीरिक रूप से बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है, अतः बार बार बीमार पड़ने की परेशानी से यह मुक्ति प्रदान करवाती है। वही पाचन तंत्र में सुधार लाने के कारण मल विसर्जन में आ रही रुकावटें या फिर कब्ज की समस्या को यह दूर कर देती है। बवासीर और पेट के कीड़ों जैसी समस्याओं में काफी हद तक राहत प्रदान करती है। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर बहुत अधिक गर्मी, जलन वो अंदर से अनुभव करते हैं, हाथ पैरों में सदैव जलन बनी रहती है, तो ऐसे लोगों को भी यदि इसका प्रयोग उचित प्रकार से करवाया जाए तो बहुत अच्छे लाभ की कुछ ही दिनों में यह प्राप्ति करवाती है। चलिए अब आपको इसे प्रयोग करने की विधि भी और बतला देते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए प्रारंभ में 7 से 8 ml सुबह शाम बराबर मात्रा में पानी मिलाकर भोजन के पश्चात आपको इसका सेवन करना है। धीरे धीरे आप इसकी मात्रा को 15 ml तक ले जा सकते हैं, परंतु आप एक चीज का ध्यान रखें, बच्चों और गर्भवती स्त्रियों को बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के कदापि इस औषधि का प्रयोग ना करवाएं और आपको आपके चिकित्सक ने जितनी मात्रा बताई है उतनी मात्रा का प्रयोग कीजिए। अधिक मात्रा में प्रयोग करना आपके लिए हानि का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अब भी आपके मन में किसी प्रकार की शंका है, कोई सवाल है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं आपकी शंका को दूर करने का प्रयास करूंगा या फिर आप हमारे फोन नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।